गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक लेप्रोसी या हैनसेंस डिजीज, हिंदी में जैसे कहें कुष्ठ रोग। लेप्रोसी इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल मायोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा ये फैलता है। इसका बैक्टीरिया नाम होता है एम लेप्राई या मायोबैक्टीरियम लेप्राई। इट इज ए प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द नर्व ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन स्टार्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी हैज इफ्लेक्टेड ह्यूमिनिटी लेफ्ट बिहाइंड ए ट्राइब टेरिफाइंग इमेज इन हिस्ट्री एंड ह्यूमन मेमोरी ऑफ mutilations, rejections and exclusion from society. It is the oldest disease mankind and not a disease of modern civilization. Third, next is lots of people have suffered in chronic course of incubated stigma and disability. It is a health problem and social problem and economic problems. Leprosy is stigma, stigma yani clunk, yani jo society hai wo leprosy ke prati ek नेगेटिव फीलिंग हो जाती है सोसाइटी को, समाज को, उस पर्सन के जिसे लेप्रोसी से ग्रस्त है या लेप्रोसी इसको हो रखी है। लेप्रोसी इज ए हैनसन डिजीज, इज ए क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्टेड डिजीज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। मेनली इन्वॉल्व द पेरिफेरल नर्व्स एंड स्किन्स एंड अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व म्यूकोसा एंड ऑफ माउथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आईज बोन्स लिम्फ नोड्स मसल्स अदर वेरियस अदर विसेरस टेस्टिस एंड इट इज कॉमनली इन्वॉल्व्स वेरी ऑर्गन एक्सपेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स ओवरी एंड लंग्स। हिस्ट्री, हिस्ट्री में वर्ड लेप्राई कम्स ऑफ ग्रीक वर्ड स्केलिंग, स्केलिंग से ये वर्ड निकला हुआ लेप्राई, सॉरी लेपर। आल्सो नाउ इज कुछ रोगा, कुछ रोगा ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड है जिसमें कुछ शांति मीनिंग्स ईटिंग अवे ऑफ एट्रीब्यूटेड ए पनिशमेंट ऑफ कोर्स ऑफ गॉड। यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई डिस्क्राइब बाय गरहार्ड हेनरिक एर्म्योर हैनसन इज ए 1873 इन नॉर्वे हैंस रेफर्ड एज ए हैनसेंस डिजीज। 1916 मिटुस्टा डिस्क्राइब लेप्रोमिन टेस्ट, इसके टेस्ट वगैरह 1916 में निकाले गए। 1943 सेलफोन ड्रग्स विज यूज ट्रीटमेंट। 1955 ग्लोबल जीओआई लॉन्च्ड नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट लेप्रोसी कंट्रोल स्टार्ट विद ए यूज ऑफ सुलुमुग्रा ऑयल फॉर द लास्ट ऑफ थ्री डिसेडेड्स। एमडीटी यानी जो ड्रग थेरेपी है हैज बीन द मेन टूल अगेंस्ट लेप्रोसी। 1981 मल्टी ड्रग थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस ऑफ द ट्रीटमेंट। 183 यानी जो नेशनल लेप्रोसी इजेक्शन प्रोग्राम है वो 183 लॉन्च हुआ। 197 NELEP अप्रेज बाय नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन कैंपेन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो लेप्रोसी से पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी जो डिजीज है जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहला है प्रिविलेंस 21.1 केसेस यानी 10,000 पॉपुलेशन वर्ल्ड, और 2015 में 0.29 केसेस 10,000 पॉपुलेशन पे यानी 10,000 पॉपुलेशन पे 21.1 केसेस अकॉर्डिंग 185 में, और 215 यानी 2015 में कुछ केसेस कम हुए हैं 10,000 पॉपुलेशन पे। ओवर द पास्ट 20 ईयर द 10 मिलियन पेशेंट हैव बीन कर्व यानी सही हुए हैं। लेप्रोसी लिमिटेड 190 आउट ऑफ द 192 कंट्रीज वेयर द डिजीज हैव कंसिडर्ड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम 1985। द ग्लोबल बर्डन ऑफ लेप्रोसी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम द 5.2 मिलियन केसेस इन 1985 टू 174,608 केसेस इन 2015। Till date, there is no resistance of anti-leprosy medication when used in MDT.
साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स 2,10,705 न्यू केसेस लेप्रोसी वेट डिटेक्टेड ड्यूरिंग 2015। ये साउथ इंडियन में जो है साउथ इंड एशियन रीजन में पाए गए थे। द लेप्रोसी न्यू केसेस डिटेक्टेड इट ड्यूरिंग 2000 इन 14 कंट्रीज दैट रिपोर्टेड अकाउंटेड 95% ऑफ न्यू केसेस, जो न्यू केसेस थे इन सीयर मल्टीबेसिलरी एंड फीमेल्स चिल्ड्रंस एंड ग्रेड टू डिसेबिलिटी। यानी मल्टीबेसिलरी जो थे 6.2% फीमेल्स में, 38.8% चिल्ड्रंस में जो 15 ईयर से ज़्यादा उम्र के हैं 8.9, और ग्रेड टू डिसेबिलिटी 6.7%। इंडिया में किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स जो केस है लेप्रोसी हुए थे, तो न्यू केसेस जो है 12,05,785 जो है 2014 से 15 पाए गए। फिर 15 में ये केसेस और बढ़े, प्रीवेंस रेट जो है 6.96 थोड़ी सी कम हुई। NCDR जो है 9.98 जो से लेकर 2016 में 9.71 पे हुई। मल्टीबेसिलरी एंड प्यूबेसिलरी फीमेल चिल्ड्रन एंड ग्रेड टू डिजीज जो भी काफ़ी गिरावट आई। 34 स्टेटस UTS आउट ऑफ 37 अचीव्ड ऑफ द लेवल एलिमिनेशन। एग्जाम्पल PR लेस इन वन केस 10,000 पॉपुलेशन 31st March 2016 एंड 486 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ द 669 अचीव ANCDR लेस देन 10 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन मार्च 2016। लेप्रोसी इन उत्तर प्रदेश, इन केसेस उत्तर प्रदेश, नंबर ऑफ केसेस फीमेल चाइल्ड ग्रेट डिजीज NCDR पर लेक पॉपुलेशन PR 3,000 पॉपुलेशन। अब एपिडेमियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी। सबसे पहला है एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर में कोज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन विद GN स्टेनिंग, रोड सेव एंड अकर इन क्लैम्स और बंडल्स कॉल्ड ग्लोबी। यानी जो रोड सेव बैक्टीरिया होते हैं लेप्रोसी के, एम बैक्टीरिया अकर्स इन क्लैम्स एंड बंडल्स कॉल्ड ग्लोबी। दे हैव इफेक्टली 4-7 सेल्स एंड सेल्स ऑफ द रेटिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम्स। दिस सीन ऑफ द बैक्टीरिया रोड सेव्स एंड ग्लोबी सेव। द बैक्टीरियल लोड ऑफ हाइएस्ट ऑफ लेप्रोमेटस केसेस 2-7 बिलियन वर एस्टिमेटेड इन 1 ग्राम लेप्रोमा। फिनोलोलिक ग्लानोकोबिड PGL इन द स्पेसिफिक एंटीजन फॉर एम लेप्रा। नेक्स्ट स्टिल हैज नॉट बीन बी कल्बेटेड एन आर्टियल मीडियम टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस इन नाउ इट टॉक्सिन्स बट कैन ग्रो इन नट माउस 9 बर्ड्स एरमिलडियस। यानी बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पहला है मल्टी बेसिलरी केसेस इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ऑल पेशेंट बी एक्टिव लेप्रोसी मस्ट बी कंसिडर्ड इन्फेक्शन। मैन रिसीवर ह्यूमन बींग्स एनिमल रिसीवर्स 9 बंडल एरमिडियस चिंपेंजीज मैंगा बीबी मैंगी मंकी स्पेगनम मॉस। यानी जो जानवर थे जो चिंपेंजीज है एंड मैंगे भी है मंकीज थे, उनके द्वारा ये जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बना था लेप्रोसी में। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट्स, यानी जो लेप्रोसी के जो है बाहर निकलने के जो पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि यह नोटल नोजल मुकेशा इज मेजर पोर्टल ऑफ एग्जिट, कैन आल्सो थ्रो अल्सरेशन एंड ब्रोकन स्किन बैक्टीरियोलॉजिकल पॉजिटिव केसेज इन लेप्रोसी। दूसरा नेक्स्ट है इन्फेक्टिविटी, हाई इन्फेक्शन ऑफ द लो पैथोजेनिसिटी कैन बी रेंडर्ड नॉन इन्फेक्शन बाय ट्रीटमेंट विद डेप्सोन फॉर 19 डेज विद रिपेम्सिन फॉर 3 वीक्स। नेक्स्ट लोकल एप्लीकेशन फॉर रिपेम्सिन ड्रॉप्स एंड स्प्रे कैन बी डेस्ट्रॉय बेसिलाई विद 8 डेज।
अटैक रेट्स एमंग हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट विद लेपोमेटस केसेस 4.4% to 12% इन एक्सपेक्टेड इन शो साइन ऑफ लेप्रोसी विद इन 5 years. होस्ट फैक्टर एज सबसे पहले. इफ इट कैन बी टैग पैलेस एनी टाइम डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर एक्सपोजर. नेक्स्ट इंसिडेंट रेंट्स पीक बिटवीन 10 and 20 years ऑफ द एज देन फॉल. ए हाई प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन एमिंग चिल्ड्रन मीन्स दैट द डिजीज इन एक्टिव एंड स्प्रेडिंग. नेक्स्ट इज सेक्स इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस हाइयर ऑफ द मेल्स इन देन फीमेल्स. माइग्रेशन मोस्ट ऑफ रूरल प्रॉब्लम इन माइग्रेशन इन कॉजिंग प्रॉब्लम विद अर्बन एरियाज आल्सो. प्रिवेंस पूल कंसर्न्स फ्लैक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो न्यू केसेस रिप्लेस और इमिग्रेशन. नेक्स्ट आउटफ्लो केयर इनएक्टिवेशन डेथ एंड इमिग्रेशन. अब इनएक्टिवेशन ऑफ डिजीज इवन एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन मेजोरिटी इन पेशेंट पार्टिकुलर ऑफ ट्यूबरक्लोइड एंड इंटरमीडिएट टाइप टेंड टू गेट केयर्ड स्पॉन्टेनियसली. नेक्स्ट है इम्यूनिटी. ये भी एक एपिडेमियोलॉजी में रीजन बनती है. यानी इम्यून पावर बॉडी में कम होगी तब भी ये जो सेल ग्रोथ करती है या जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं. सेल मीडिएट इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन टू एम लेप्राई. इन लेप्रोमेटस लेप्रे देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CMI. एंटीबॉडीज आर मोर प्रोनाउंस्ड इन लेप्रोमेटस. एंड नेक्स्ट सिमिलरली एंड इंक्रीज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स जी एंड इम्यूनोग्लोबिन एम इज नोटेड टुवार्ड्स लेप्रोमेटस. एंड जेनेटिक ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन्स HLA लिंक्ड जीनियस इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्स दैट डेवलप. अब इन्वायरमेंट फैक्टर्स. इन्वायरमेंट फैक्टर्स में पहले ह्यूमिडिटी फेवर सर्वाइवल ऑफ एम लेप्री. कैन रिमेन वेलिएबल एंड ड्राइड डेजल स्केलिंग एटलीस्ट 9 days इन मॉइस्ट सोइल एट रूम टेम्परेचर फॉर 46 days. सोशल फैक्टर्स पॉवर्टी overcrowding, lack of ventilation, overhousing, lack and person hygiene. Incubation जो पीरियड है लेप्रोसी का वो क्या होगा. लॉन्ग इंक्यूबेशन 3 to 5 years मोर लेप्रोमेटस केसेस. ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी हैज ए शॉर्ट टर्म IP. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एरोलॉस कंटामिनेटिंग मेम लेप्री. कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन बाई क्लोज कॉन्टैक्ट दैट टू इनडायरेक्ट. अदर रूट्स इंसेक्ट वैक्टर्स मॉस्किटोज बैक्टीरिया टैटोइंग नीडल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ द लेप्रोसी. क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट. यानी जो क्लासिफिकेशन है वो बैक्टीरियोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल पर डिपेंड रहता है. पहला टाइप है इंडियन क्लासिफिकेशन, फिर है मिड रेट क्लासिफिकेशन, रिडले जोपलिंग क्लासिफिकेशन WHO क्लासिफिकेशन. इंडियन क्लासिफाइड जो है यानी इंडियन टर्मिनेट टाइप, ट्यूबरक्लोइड टाइप, बॉर्डरलाइन टाइप, लेप्रोमेटस टाइप एंड प्योर न्यूरोटिक टाइप. दूसरा है मैड्रिड क्लासिफिकेशन, इंडिटर्मिनेट टाइप ट्यूबरक्लोइड टाइप, बॉर्डरलाइन टाइप, लेप्रोमेटस टाइप. रिडली एंड जोपलिंग क्लासिफिकेशन सेम, इंडिटर्मिनेट टाइप, ट्यूबरक्लोइड टाइप, बॉर्डरलाइन टाइप, लेप्रोमेटस और प्योर न्यूरोटिक टाइप्स. WHO क्लासिफिकेशन जो है जो बेस होता है टाइप ऑफ नंबर ऑफ द स्किन एरियाज यानी इफेक्टेड एरियाज है उस पर. जो फर्स्ट कैटेगरी होती है इसमें वो होती है प्यूसेवेलरी यानी देर आर 5 ऑन फीवर लीजन एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन स्किन सैंपल्स. जो सेकेंड कैटेगरी होती है मल्टीबैक्टीरियल लेप्रोसी. इन द मल्टीबैक्टीरियल देर आर मोर देन 5 लीजन्स दैट अ बैक्टीरिया इज डिटेक्टेड इन द स्किन स्मीयर और पॉथ. जैसे कि इसे सारणी में दिखाया गया है यानी 5 to मोर स्किन 5 लीजन्स. एसिम्प्टोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सिम्प्टोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड लॉस ऑफ सेंसेशन. लॉस ऑफ सेंसेशन मे नॉट बी प्रेजेंट. जो बॉर्डरलाइन इंडेक्स है या बैक्टीरियम इंडेक्स है 2 से ज़्यादा एट ऑल साइट्स इन द इनिशियल स्किन स्मीयर. और जो इसमें है
दो से कम एट एनी साइट इन द इनिशियल स्किन ऑफ द स्मीयर। WHO क्लासीफाई फॉर द कीमोथेरेपी एमलेप्री सेम इंटरमीडिएट आई माइल्ड डिप्रेट बीबी माइल्ड बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुल बीटी बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस बीएल पोलर ट्यूबरकुलॉइड एंड लेप्रोमेटस। क्लिनिक स्पेक्ट्रम ऑफ द लेप्रेसी इम्यूनिटी स्किन लिजेंस नंबर ऑफ बेसलाई एंड स्टील स्किन ऑफ द टीटी बीटी बीबी एंड बीएल एंड एलएल। यानी जो है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी मिड बॉर्डरलाइन लेप्रस बॉर्डरलाइन लेप्रेटस लेप्रोसी एंड लेप्रेटस लेप्रोसी जो कि है क्लिनिक स्पेक्ट्रम ऑफ लेप्रोसी। द इंडियन क्लासिफिकेशन 1981 द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन लेप्रोसी एसोसिएटेड विद हिंद कुष्ठ निवारण सिंह इट इज ए क्लिनिकल बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। फीचर्स आर इंटरमीडिएट टाइप अर्लीस्ट एंड ट्रांजिशन स्टेज 1 and 2 वेग्यू टाइपो पिगमेंटल म्यूकल एंड डिफाइंड सेंसरी पिगमेंटल दिस रीजन्स आर बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव। इंटरमीडिएट लेप्रोसी यानी हाइपोपिडल पैच सेंसेशन नॉर्मल नंबर ऑफ पेरिपल नर्व एंड सिल्ट स्किन स्मीयर नेगेटिव जैसे कि इस डायग्राम में है। ट्यूबरकुलॉइड टाइप वन ऑफ द टू वेल डिफाइंड लीजन्स एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्रंक ऑन द लिम्ब वेल डिफाइंड लीजन्स विच मे बी फ्लैट एंड ओरिजिन एरिथ्रोमेटस एंड हाइपोपिगमेंटेड एंड दे आर एनेस्थेटिक। वन और टू नर्व्स में भी एनलार्ज नियर द स्किन लीजन एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव लेप्रोमाइन टेस्ट में भी स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी टू हाइपोपिगमेंटेड पैचेज हाइपोपेस्टिक वेल डिफाइंड बॉर्डर्स पल्पेबल पेरिफेरल नर्व एंड लेप्रोमिल बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव जैसे कि इस डायग्राम में। ट्यूबरो लेप्रोसी एनुलर एरिथ्रोमेटस एनेस्थेटिक पैच विद वेल डिफाइंड एंड रेज्ड बॉर्डर एसएस नेगेटिव्स। बॉर्डरलाइन टाइप ऑफ बीबी बीटी एंड बीएल लीजन नंबर जो है वो है 5 से ज़्यादा बीटी में सम मैनी लीजन बॉर्डर्स वेल लेस रफी सेंसरी इंप्रूवमेंट मार्क मॉडरेट स्लाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किन लीजन एसिमेट्री रफली सिमेट्रिकल पेरिफेरल नर्व्स asymmetrical, less asymmetrical, type of leprosy, picobacillary, multibacillary, multibacillary, slit skin smear, -1, +3/+2+, and BL में 4+. Borderline tuberculosis leprosy well defined was large anesthetic patches with the satellite lesions. Borderline leprosy less than defined, asymptomatical distribution leprosy patches, and borderline लेप्रोसी लेप्रेटस न्यूमरस हाइपोस्टेटिक ऑलमोस्ट सिम्प्टोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन पैचेज जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। लेप्रोमेटस लेप्रोसी वेरी न्यूमरस इल डिफाइंड लीजन्स नेक्स्ट म्यूकस पैचेज पेपुल्स एंड नोडल्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी लॉस ऑफ आईब्रोज एंड आई रेसेस लियोनिना फेसिस नो सेंसरी इम्प्रूवमेंट्स ऑफ इन लीजन्स पेरिफेरल नर्व्स सिमेट्रिकल इनलार्ज स्लिट स्किन स्पेड वाल पॉजिटिव जैसे कि इस डायग्राम से में दिखाया गया है। ऑलवेज पॉजिटिव फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्योर न्यूरेटिक टाइप दो केसेस भी शो नर्व इन्वॉल्वमेंट बट नो स्किन लीजन्स बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स सब कलर सिस्टम कार्डिनल फीचर्स हाइपोपिगमेंट पैचेज जो कि पाए जाते हैं पार्टियल एंड टोटल लॉस ऑफ कंटिन्यूस सेंसेशन इन्फेक्टेड एरिया क्योंकि ये नर्व को इफेक्टेड करती है इसलिए प्रेजेंस ऑफ थिकनेस नर्व प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसलाइट टू स्किन टू नेजल स्पीयर जो एसिड फास्ट बेसलाइट ये स्किन टू नेजल स्पीयर के और नेजल स्पीयर के द्वारा जो रनिंग नोज में होती है। साइन ऑफ एडवांटेज डिजीज लम्स एंड नोडल्स स्किन द फेस एंड ईयर्स प्लांटर अल्सर लॉस ऑफ फिंगर एंड टॉयज नेजल डिप्रेशन फूड ड्रॉप एंड क्रोटोइज अदर डिफर्मिटीज। डायग्नोसिस डन बाय हिस्टोलॉजिकल एंड क्लासिफिकेशन बैक्टीरियोलॉजिकल
बाय स्किन स्मियर, लेजर स्मियर, बिलो नेजल स्क्रैपिंग, फूड एंड कल्चर, स्टामिन टेस्ट, बायोप्सी, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। तो बाय जो मेरे जैसे दो टाइप से होता है, पहला होता है टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, नेक्स्ट होता है टेस्ट फॉर ह्यूमरल रिस्पॉन्स बी बैक्टीरियल यानी एम लेप्राई के द्वारा। फर्स्ट लेते हैं ए यानी लेप्रोमिन टेस्ट, जिसमें लिपोसाइट ट्रांसमिशन टेस्ट यानी LTT एंड ल्यूकोसाइट माइग्रेशन इनहिबिशन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट फॉर ह्यूमरल फ्लोरेसेंट लेप्रोसी एंटीबॉडी एबॉर्शन यानी FLA ABS, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ELISA टेस्ट एंड फिनोक्विन ग्लाइकोड एंटीजन। हिस्ट्री पेशेंट बाय डाटा नेम एज सेक्स। डायग्नोसिस पे लेते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में पे लेते हैं पेशेंट बाय डाटा पेशेंट्स कंप्लेंट्स फैमिली हिस्ट्री एंड लेप्रोसी कॉन्टेक्ट विद लेप्रोसी केसेस प्रीवियस हिस्ट्री ट्रीटमेंट एंड लेप्रोसी इफ एनी। अब एक क्लिनिक एग्जामिनेशन ए थ्रो इन्फेक्शन टू बॉडी सर्फेस पल्पेशन ऑफ द कॉमनली इन्वॉल्व सुपरफेशियल नर्वस अल्नर एंड नियर द मीडियल एपिकोनिडाइल टू ग्रेटर एरिकुलर एंड एज इट इज टर्न ओवर SCM मसल 3 लेटरल पोपिलेटल एंड 4 डोर्सल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। टेस्टिंग फॉर लॉस ऑफ सेंसेशन हीट कोल्ड पेन टच पैरालिसिस ऑफ पैरालिसिस मसल्स टू हैंड टू फिट। ये नर्व पल्पेशन कर रहे हैं जिसमें हम ये डायग्नोस करते हैं कि जो रेडियल नर्व है या कोई नर्व है जो पल्पेशन नहीं है या कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रही यानी वो लेप्रोसी को इंडिकेट कर रही है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन स्किन स्मीयर पहले तो उसमें लेते हैं सिंपल एंड वेल्युएबल टेस्ट इट इज नीडेड टू डायग्नोसिस मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट पिंच द साइट टाइट इंसिजन स्क्रैप एंड कलेक्ट मटेरियल स्मीयर ऑफ साइड डेयर एंड ड्राई फिक्स स्टेन Z2N मेथड साइड्स आर ईयर लोब फोरहेड कल्यूटल रीजन एक्टिव एड्स ऑफ द पेचेस। नेक्स्ट इसमें लेते हैं नेजल स्मीयर और ब्लोज नेजल स्मीयर एंड द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्ली मॉनिटरिंग म्यूकस मटेरियल नेजल स्क्रैपिंग आफ्टर गोइंग टू 4 to 5 cm इन ब्लेड इन रोटेड टूवर्ड्स द स्पेक्टम सेप्टम एंड स्क्रैप्ड ए फ्यू टाइम्स एंड विड्रॉल। नेक्स्ट लेते हैं बैक्टीरियल इंडेक्स यानी BI इट इज़ ए ओनली ऑब्जेक्टिव वे ऑफ द मॉनिटरिंग बेनिफिट टू ट्रीटमेंट इट इंडिकेट्स डेंसिटी ऑफ लेप्रोसी बेसिलाई इन स्मीयर इंक्लूड बोथ लिविंग सॉलिड स्टेनिंग एंड डेड फ्रेगमेंटेड और ग्रेनुलर बेसिलाई। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रिडली लॉगरिथमिक स्केल इन रेंज ऑफ 0 to 6+ एंड द बेस्ट ऑफ नंबर ऑफ बेसिलाई सीन द एवरेज माइक्रोबिक फील्ड बैक्टीरियल इंडेक्स में 0 स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ बेसिलाई इन यानी 100 ऑयल इमर्शन फील्ड्स नंबर ऑफ ऑन एवरेज इन 100 मिलियन इमर्शन फील्ड्स 110 बेसिलाई इन 10 ऑयल इमर्शन बेसिन और बैक्टीरियल इन 3 में प्लस में 1 to 2 बेसिलाई एन एवरेज ऑन ऑयल फील्ड और 4 में 10 to 100 बेसिलाई इन एवरेज ऑयल इमर्शन इन फील्ड B1 500 to 1000 बेसिलाई इन एवरेज इन ऑयल इमर्शन फील्ड एंड ओवर 100 बेसिलाई यानी हाइड्रोजन बेनी ग्लोबी इन द एवरेज ऑफ इमर्शन फील्ड। अब ये माइक्रोबियोलॉजिकल इंडेक्स डायग्नोस में द माइक्रोबियोलॉजी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर एग्जामिन 200 पिंग स्टेन फ्री स्टैंडिंग बेसिलाई द परसेंट ऑफ सॉलिड स्टैंडिंग बेसिलाई स्टेन स्मीयर इन रेफरल टू एज ए मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स इट इज ए वैल्यूएबल इंडिकेटर द पेशेंट रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ एंड हेल्प द सिंगुलर ड्रग्स रेसिस्टेंट। नेक्स्ट सॉलिड फ्रेगमेंटेड ग्रेनुलर परसेंटेज इट गिव्स बेटर पिक्चर सॉलिड फ्रेगमेंटेड एंड ग्रेनुलर बेसिलाई आर मेंशन्ड सेपरेटली इट इज सिमिलर टू MI बट फूड पेट कल्चर्स ओनली सर्टन वे बी एंड फैंग
MLPTG not included the material into full pads, Mikey, and demonstrate its multiplication. 10 times more sensitive to detecting the bacillus than slit skin smear. Time counseling requires 6 to 9 months. Used for detecting drugs resistance, evaluation of potency in anti-leprosy drugs, detecting the viability of bacillus during treatment. Next is histamine test. Variable test for detecting an early stage peripheral nerve damage due to leprosy. Next is method carried out of the injecting 1.1 ml to 1/1000 solution of histamine phosphate in the hypopigment patches in area or anesthesia. यानी 0.1 ml इंजेक्ट किया जाता है हिस्टामिन फॉस्फेट को और उसमें जो है हिस्टामिन टेस्ट डायग्नोस किया जाता है लेप्रोसी के लिए. रिजल्ट इन नॉर्मल पर्सन इन द गिव राइज टू व्हील अराउंडिंग इरिथ्रोमेटस फ्लेयर लेविस ट्रिपल रेस्पॉन्स इन केस ऑफ लेप्रोसी वेयर द नर्व सप्लाई इज डेस्ट्रॉयड फ्लेयर रेस्पॉन्स इन लॉस्ट पार्टिकुलर यूजफुल इन केसेस इंटरमीडिएट लेप्रोसी. अब एक बायोप्सी. बायोप्सी में क्या करते हैं, यूजली डिसोर्टेड द वैन देयर इज द हाई क्लिनिकल सस्पिशन बट देयर इज द टेस्ट आर अनयील्डिंग. इट आल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ स्किन. इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले है लेप्रोमेल टेस्ट, टेस्ट फॉर सेल मीडिएट इम्यूनिटी. मेथड, इट इज परफॉर्म्ड बाय इंजेक्ट 0.1 ml लेप्रोमेल इन टू इनर एस्पेक्ट टू द फोरम. द रिएक्शन द रेट 48 and 21 days. टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैव बीन डिस्क्राइब्ड. एंटीजेंस यूज, टर्मिनेटर एंटीजेंस एंड मिथुस द एंटीजन. अर्ली रिएक्शन फर्नांडेज रिएक्शंस. एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप विद 24 to 48 hours एंड इट इज दिस टेंड्स डिसअपीयर 3 to 4 days. इफ द डायमीटर ऑफ द रेड एरिया इज मोर देन 10 mm एंड टेस्ट ऑफ डिस पॉजिटिव. नेक्स्ट, इट इज डिलेड टू हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इंडिकेटेड पीरियड एक्सपोजर infected to solution considered to lepra bacilli and superior to late reactions. Next is late reactions, yani mit should are reaction. It is a characterized by appearance of the nodule which is the becomes apparent the 7 to 10 days reach the maximum in 3 to 4 weeks. The test of it read in 21 days. If the nodule is more than 5 mm it considered positive. It is a It is induced by bacillary components on indicant cells. Cell mediated immunity. In the first 6 months of the most children are lepromin negative. BCG vaccination is capable of converting lepra reaction from the negative to positive. Value of lepromin test. Evaluating the immune status of leprosy patients aid to classify the type of disease, estimating the prognosis. True positive are the typical tuberculosis cases and getting the weak toward lepromatous and typical lepromatous case being lepromin negative indicating future CMI. The greatest drawback being positive and non cases negative in lepromatous cases, hence not used to diagnostic test. LTT and any lymphocyte transplantation test and leukocyte migration inhibition test. Never to vitro test such as lymphocyte transmission test in leukocyte migration test has been developed. They give a major CMI used to detect subclinical infections. FLA या ABS test for humoral antibodies, serological test जिसको बोलते हैं. The fluorescent leprosy antibody या absorption test is a new widely used for identification of the subclinical infections. Used for detecting of subclinical infection, 93% sensitivity, 100% specific detecting specific antibodies in all leprosy types, irrespective of type and duration of disease. Monoclonal antibodies. These against M. leprae antigens have been produced. Ye जो एम लेप्राई जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा जो एंटीजन प्रोड्यूस करती है उनके अगेंस्ट, इफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फाउंड दे विल बी बिकम
रिग्रेंट ऑफ चॉइस ऑफ आइडेंटिफिंग एम लेप्राई. नेक्स्ट एलिजा टेस्ट बेस्ड ऑन द फिनोलिक क्लोपिडिक पीजीएल एंटीजन. लेप्रोसी कंट्रोल मेडिकल मेजर्स एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉब्लम अर्ली केस ऑफ डिटेक्शन मल्टी ड्रग थेरेपी सर्वाइवेलेंस इम्यूनोप्रोलाइसिस कीमोप्रोलाइसिस डिफॉर्मिटीज रिबिलिटेशन हेल्थ एजुकेशन सोशल सपोर्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इवेल्यूशन. सबसे पहले थे ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग थेरेपी कीमोथेरेपी. इट इज द एब्सेंस ऑफ द इफेक्टिव प्राइमरी प्रिवेंशन बाय लेप्रोसी वैक्सीन. लेप्रोसी कंट्रोल बेस्ड ऑन इफेक्टिव मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी सेकेंडरी प्रिवेंशन. ऑब्जेक्टिव इंटरप्टेड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट केसेस ऑफ प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज टू प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंट. इन मल्टी ड्रग रेजिमेंट्स ओनली बैक्टीरियल ड्रग्स आर यूज्ड. फर्स्ट लाइन ड्रग्स रिफेम्सिलिन टेप्सोन क्लोजाफिजिमिन इथियोनोनामाइड एंड पिट्यूरोमिनाइड. सेकेंड लाइन ड्रग्स क्यूनोलोन्स मिनोसाइलिन कैलिथ्रोमाइसिन एंड WHO रिकमेंडेड की मल्टीबेसिलेट लेप्रोसी रिफेम्सिन 6 मिलीग्राम वंस मंथली अंडर सुपरविजन. डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. क्लोफिजिमिन 300 मिलीग्राम वन मंथली अंडर सुपरविजन 5 मिलीग्राम डेली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. वेयर द क्लोफिमिजन इज ए अनएक्सपेक्टेबल ड्यू टू स्किन कलरेशन इट मे बी सब्स्टिट्यूट बाय 250 एंड 375 मिलीग्राम डेली डोज ऑफ इथियोनोमाइड फॉर पिट्यूटरीमाइड. द अबव ऑफ रेजिमेंट नीड्स टू टेकन 12 मंथ विद इन 18 मंथ. प्यूसुबिलरी लेप्रोसी रिफेम्सिन 600 मिलीग्राम वंस डेली सुपरवाइज्ड. डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली इट सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. द अबव रेजिमेंट नीड्स टू टेकन 6 मंथ विद इन 9 मंथ. ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉर चिल्ड्रन 10 टू 14 ईयर्स. मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी रिफेम्सिन 450 मिलीग्राम वंस डेली अंडर सुपरविजन. डेप्सोन 5 मिलीग्राम डेली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. क्लोफेजिमिन 150 मिलीग्राम वंस मंथली अंडर सुपरविजन 5 मिलीग्राम एवरी अदर डे सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. प्यूसिबिलरी लेप्रोसी रिफेम्सिन 450 मिलीग्राम वंस डेली वन अंडर सुपरविजन. डेप्सोन 50 मिलीग्राम डेली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. पीबी एडल्ट ट्रीटमेंट वंस ए मंथ टू कैप्सूल इन ऑफ रिफेम्सिन 3 मिलीग्राम टू 1 टैबलेट ऑफ डेप्सोन 100 मिलीग्राम वंस ए मंथ. ये वंस ए डे टू डे 2 to 28 1 टैबलेट डिपोसन 100 मिलीग्राम फुल कोर्स 6 मिलीलीटर पैक्स. नेक्स्ट ए एमपी एडल्ट ट्रीटमेंट वंस ए मंथ डे फर्स्ट 2 कैप्सूल ऑफ रिफेम्सिन 3 मिलीग्राम इंटू 2 यानी बी डी. 3 कैप्सूल ऑफ क्लोफिजिन 100 मिलीग्राम यानी 3 डी. 1 टैबलेट ऑफ डेप्सोन 100 मिलीग्राम वंस ए डे 2 to 28 डे. 1 कैप्सूल ऑफ क्लोफेजिन माइन 50 मिलीग्राम 1 टैबलेट टू डेप्सोन 100 मिलीग्राम फुल कोर्स 12 मिलीलीटर पैक्स. इट ए क्रूशियल डेट पेशेंट अंडरस्टैंड विच इज द ड्रग्स दे हैव टू टेक वंस ए मंथ एंड विच एवरी डे. पीबी चाइल्ड ट्रीटमेंट 10 टू 14 ईयर्स वंस ए मंथ डे फर्स्ट 2 कैप्सूल फॉर रिफेम्सिन 3 मिलीग्राम प्लस 150 मिलीग्राम 1 टैबलेट ऑफ डेप्सोन 50 मिलीग्राम वंस ए टैबलेट 2 डेज टू 28 1 टैबलेट ऑफ डेप्सोन फुल कोर्स ऑफ 6 मिलीलीटर पैक्स फॉर चिल्ड्रन बाय यंग टू देन 10 एंड डोज ऑफ मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट. एमपी चार्ट ट्रीटमेंट वंस ए मंथ 2 कैप्सूल ऑफ द रिफेम्सिन 3 मिलीग्राम प्लस 150 मिलीग्राम 3 कैप्सूल ऑफ क्लोजिफामाइन 50 मिलीग्राम टू 1 टैबलेट टू डेप्सोन 50 मिलीग्राम वंस ए डे 2 to 28 1 कैप्सूल ऑफ क्लोफेमिजिन एवरी अदर डे 50 मिलीग्राम 1 टैबलेट ऑफ डेप्सोन 50 मिलीग्राम फुल कोर्स 20 लीवर्स ऑफ पैक. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो
ड्रग थेरेपी है, इट इज नॉट कॉन्ट्रामिटेड पेशेंट विद HIV इन्फेक्शन. MDT इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्रग्स विद एक्सट्रेट ब्रेस्ट मिल्क बट नो रिपोर्ट्स ऑफ रिएक्शन एक्सपेक्ट. तो माइल्ड डिस्कलरेशन ऑफ इन्फेक्शन स्किन बाय क्लोजिमाइन. लेप्रोसी इज एक्सेरेबेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट इज इम्पोर्टेंट डेट MDT कंटिन्यू सर्वाइव. पेशी बेसिलरी लेप्रोसी रिकमेंडेड टू डू एग्जामिन क्लिनिकली एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑफ मिनिमम 2 years. मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी रिकमेंडेड टू एग्जामिन क्लिनिकली एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑफ मिनिमम 5 years. इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस PCG कैन प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्रोसी. सिविल अल्टरनेटिव वैक्सीन आर अंडर डेवलपमेंट. डिफर्मिटीज इट इज ड्यू टू डैमेज ऑफ पेरिफेरल नर्व ट्रंक्स और इंजरी फ्रॉम इन्फेक्शन टू हेड टू फीट. अप्रोक्स 25% टू इन केस टू हार द प्रॉपरली ट्रीटेड एंड अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग डिफर्मिटीज. डिफर्मिटीज टू हैंड्स टू इन फीट. डिफर्मिटीज प्रिवेंशन मेजर्स द इंक्लूड केयर ऑफ द ड्राई एंड denervated skin, the palm soles, treated wounds, ulcer and cracks in the palm soles, use of the protective gloves and footwear, prevention joints snaps in case paralysis, protection of eyes, periodic check up progressive of disease, use of prosthesis and orthopedic device including corrective spondylitis well as well corrective surgery, rehabilitations including the all measures used over including aspect for the individual in helping him her achieve independence, social integration, a better quality of life and self actualization. Health education and the helping people of the avoid types of disease. It should be direct towards of the patient, this have the family. It should be indicate educated people do their fact about the leprosy and remove supplementation superstitions and that a social stigma associated with leprosy. Social support. Chemotherapy alone is not likely to solve the problem. It needs social support also. Anti-leprosy activities in India. 1874 mission of leprosy was found at Bali at Chamba in the Himachal Pradesh, now in Purulia in the West Bengal. After that a organization are established. Hindu Kush Nivaran Sangha गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन नेशनल लेप्रोसी ऑर्गेनाइजेशन 1965 जर्मन लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएट डीएमएन फाउंडेशन दानी सेव द चाइल्ड फाउंडेशन लेप्रोसी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल 1954 वाज कन्वर्ट टू रिडक्शन प्रोग्राम 198